करोगी ना, है ना? एक बात अद्दश है, देखो डेली घर की क्या हालत होती है, और ये सब सेटिंग करनी है अभी, फिर मेरी हेल्पर आएगी, वो सारा झाड़ू पोछा करके जाएगी। ये देखो सब फैला पड़ा। परी स्कूल जाती है ना तो उसकी दादी सब कुछ डुडुम 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 कर देती है। मम्मी आती है परी को तैयार करने के लिए, क्योंकि आधी बार मेरी आँख ही नहीं खुलती है तब मम्मी ही आती है संभालने सब। लेकिन किचन की हालत देखो क्या है। अब मैं आपको आफ्टर बिफोर दिखाऊंगी, ये सब अभी मैं सेटिंग करूंगी और उसके बाद झाड़ू पोछा होगा घर में। और लोग ना इतने जल्दी से बोल देते हैं घर में काम वाली लगी हुई है, घर में काम ही क्या है, झाड़ू पोछे तो करके चली जाती है। घर में इतने काम होते हैं ना कि अगर आप एक बार करने बैठो तो पूरी रात ख़त्म हो जाएगी, पर आपका काम नहीं ख़त्म होगा। तो पूरा घर को समेटना उसके बाद झाड़ू पोछे करने की हिम्मत ही नहीं रहती है, तो इसलिए हेल्पर लगाई जाती है। और मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं रहती कि अब मैं पूरा घर की सेटिंग करूँगी, फिर साथ के साथ नन्नू को भी देखो, उसके बाद अपनी वीडियोज़ का भी काम करो। लोगों को लगता है काम ही क्या करती है, पूरे दिन बैठी तो रहती है। नहीं बैठे रहते भाई, बहुत काम हो जाता है। अभी सुबह मेरी शुरू होगी क्योंकि रन्नू को एक आदत पड़ चुकी है 7:30 बजे उठ के पॉटी करने की। अभी इसकी आदत मुझे भुगतनी पड़ती है, वरना मैं थोड़ा लेट तो सो लेती हूँ। झट से इसको सेट करती हूँ और मेरी हेल्पर आएगी अप्रॉक्स 10:30-11 बजे, तो उस तब तक मैं कर लूँगी। और जैसे वो आएगी फिर मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी और मम्मी नन्नू को लेके चली जाएगी, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। और आज मुझे शूट के लिए भी बाहर जाना है। गोदी में भी नहीं रुक रही है, पूरी दिख रही है। और आज मुझे शूट के लिए भी जाना है तो वहाँ का भी दिखाऊँगी आप लोगों को। आज का मेरा पूरा डे बिजी है तो आज तो नींद भी मैं नहीं ले सकती हूँ। आज पूरी रात नन्नू ने मुझे दुखी किया है, पर कोई बात नहीं है ना, नन्नू का काम है दुखी करना, मम्मी का काम है दुखी होना। तो आज मेरा शूट भी है, शूट के लिए भी जाना है, तो सारी चीज़ें करती हूँ और फिर मिलते हैं आप लोगों को।
दिखा कि सोप टका लो आज कल है दीदी का बर्थडे और आज हम यहाँ पर आए हैं तो हम दीदी को सरप्राइज देख रहे हैं तो उनका रिएक्शन देख रहे हैं वैसे अब तक की जितने भी सूट की दुकान देखे सबसे बढ़िया है सबसे स्टॉक देखो अच्छा मैं अपने लुक तो दिखा दूं अच्छा देख तो ली थी वो वीडियो ये देखो नन्नू सूट ले लो नन्नू एक वो कहते सूट ले लो नन्नू एक बार कहते सूट ले लो ये वाला सूट चाहिए भाई कस्टमर को सूट दिखाओ एक अच्छा सा देखो वो कह रही है सेम फोटो वाला चाहिए उसको कह रही है सूट नहीं कह रही है या मम्मी चाहिए यहाँ देखो स्टॉक पूरा और ये तो एक साइड है ऊपर से एक ऊपर है एक नीचे है और एक सबसे नीचे है और थोड़ी देर बैठने के बाद चाय पानी पीने के बाद हम आ गए थे अपने काम पे और ये व्लॉग का एक पार्ट है जो हमने शूट किया था तो यहाँ पर हमने बहुत सारी साड़ियाँ ट्राई की थी आप लोग सोच भी नहीं सकते कि साड़ियाँ ट्राई करना और शूट करना कितना मेहनत का काम है मतलब लिटरली 4 घंटे खड़े खड़े साड़ियाँ हमने 3 या 4 घंटे लगातार आई गेस 4 बजे शूट करना शुरू किया था और 7 बजे तक या 7:30 बजे तक हमने साड़ियाँ ड्रेप की हैं तो ऐसे खड़े खड़े पैरों में दर्द होने लग जाता है मैं तो फिर भी ये सोचती हूँ कि चलो ठीक है कर लेती हूँ दीदी की हिम्मत माननी पड़ेगी मेरे जितनी देर मैं खड़ी थी उतनी ही देर दीदी खड़ी रही और गट्स हैं बॉस तो ये शूट का कुछ पार्ट है आगे आप लोग देखोगे कि उसके बाद हम लोगों ने दी का केक कट किया क्योंकि दीदी का बर्थडे आता है 14th of October को लेकिन हमने सेलिब्रेट किया था 13 को क्योंकि 14 को हमारा विजिट पॉसिबल नहीं था तो हम लोग सरप्राइज़ विजिट भी नहीं दे सकते थे और सैटरडे और था तो दीदी के काम में खलल नहीं डालना चाहती थी मैं क्योंकि देखो वर्क इज़ मच इम्पॉर्टेंट देन एनी सेलिब्रेशन ऐसा मेरा मानना है काम ही पूजा है जितने भी वर्किंग वीमेंस हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगी तो सैटरडे को मैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी तो हमने आज के ही दिन दी का केक कट कर दिया और आगे इस ब्लॉग को आप देखेंगे उसके बाद हमने खाना पीना खाया और हम वहाँ से आ गए हैप्पी बर्थडे चलो फोटो ले लियो फर्स्ट बीच ये जो फाइव पे रियलिटी नहीं है था दो जोर से आवाज नहीं आई किसी तेरी आई थी हमारी रंग थैंक यू सो मच बड़ा अच्छा लगता है मिलके इसकी कोई जरूरत नहीं आएगी
ये मैं मेरे को था कि जिनके पास खुद ही इतना कपड़ा है उनको क्या कपड़ा अब सब केक खा रहे, हमने अपना हिस्सा लूट लिया। बच्चे भी बच्चों से शैतान में भाग गए। अब यहाँ पर खाना पीना खाएंगे हम और उसके बाद जाएंगे सीधा घर, बहुत ज्यादा थक गए। तू खाना फिर अपने ऊपर दिखा। मैं तो खाऊंगी। यहाँ देखो लहंगे ही लहंगे। अच्छा हम थर्ड फ्लोर पे, अच्छा नहीं ये सेकंड फ्लोर है, नहीं फर्स्ट फ्लोर है। तो आज के व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि सुबह मेरी शुरुआत कैसे होती है और आज का दिन मेरा शूट का था, तो ये चीज़ मैंने प्रॉपर शूट करके दिखाई है कि जिस दिन मुझे शूट पे जाना होता है तो मैं चीज़ों को कैसे हैंडल करती हूँ। तो सुबह उठ के सबसे पहले एक टाइम फिक्स अनु वाला वो करती हूँ, उसके बाद घर को थोड़ा क्लीन करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, फिर मेरी हेल्पर आ जाती है, हेल्पर सारा काम करती है। उसके बाद जो भी शूट का होता है डे, वहाँ मैं निकल जाती हूँ और शूट का आपने देखा ही। और हर बार पॉसिबल नहीं होता प्रॉपर शूट करना क्योंकि काम पे ध्यान होता है, तो मैं अपनी व्लॉगिंग पे इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ क्योंकि उस टाइम सब कुछ संभालना होता है। और अब हम आ गए हैं घर पे। आज हम घर पे पहुँचे थे सही 9:30 बजे और घर पे आते ही मैंने ड्रेस चेंज की और नन्नू का खाना पीना देखा, परी को देखा। परी खाना पीना खा के आ रखी थी अपने दादी के घर से, वो बस आती उसके गपड़ गपड़ होती वो सुननी पड़ती है तो वो सब देखा, उसको दूध वगैरह दिया, हस्बैंड को दूध वगैरह पकड़ाया और फिर उसके बाद नन्नू को सुला दिया मैंने। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, अब मैं अपनी एक कॉफ़ी बनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है मुझे बाहर जाते ही। अब वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, टच वुड, जो मुझे इतना सपोर्टिव हस्बैंड मिले, पूरा टाइम नन्नू को संभालना। और हम जहाँ गए थे आज कृष्णा डिज़ाइंस एंड बुटीक, वहाँ पर तो दी इतनी अच्छी है और वहाँ के सब लोग, फिर वहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे के सारे, एक मेरे देवर लगते मुझे नाम नहीं पता तो उनको मैं भैया भैया बोलती हूँ, तो मतलब सब लोग जो भी हैं फैमिली मेम्बर, दी की पूरी फैमिली वहाँ पर होती है और सब इतने सपोर्टिव हैं नन्नू को लेके चलना, तो मतलब वहाँ मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। हस्बैंड हो जाते हैं वो सब संभाल लेते हैं सब कुछ, फिर दी और दी के फैमिली मेम्बर और स्टाफ सब बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, तो मैं बहुत हद तक मैं रिलीफ रहता है मुझे नन्नू नहीं पकड़नी पड़ती है वहाँ पर। तो इस व्लॉग को लंबा नहीं करती हूँ मैं, अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी और फिर एडिटिंग करूँगी जो मेन अर्जेंट है, जो मुझे सुबह अपलोड करनी है, क्योंकि सुबह एडिटिंग नन्नू नहीं करने देती, बेड पे वो होती है और जैसे मैं फ़ोन उठा के एडिट करती हूँ ना तो वो बार बार छेड़ती रहती है ऐसे ऐसे करके, तो एडिट नहीं हो पाता है। और जब वो सोती है तब मैं खाना बदोशों की तरह या तो अपने खाने के लिए कुछ बनाती हूँ या ढूंढती हूँ या नन्नू का खाना तैयार कर रही होती हूँ, तो वो इतना ही 15-20 मिनट के लिए वो सोती है, तो तब तक तो कोई मतलब ही नहीं। कई लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि बच्चा सो जाता है तब कर लिया करो, नहीं पॉसिबल होता है जिनके छोटे बच्चे ना वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो अब मैं मेन चीज़ें एडिट कर लूँगी, अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, एडिट करूँगी और सो जाऊँगी। और सुबह जाना है मुझे परी की पीटीएम में, कल परी का पीटीएम है स्कूल में, तो वहाँ पर मैं जाऊँगी, उसके रिजल्ट वगैरह आने वाले हैं हाफ ईयरली टेस्ट के, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा जल्दी आज सोना पड़ेगा, तो मैं सिर्फ मेन एक इंस्टा की एक यूट्यूब का ये वाला ब्लॉग एडिट करके सो जाऊँगी। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा एक दिन, जब मैं काम करती हूँ तो कैसे मेरा दिन की शुरुआत होती है और कैसे मेरा दिन ख़त्म होता है वो मैंने आप लोगों को दिखाया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। डकार आ गई थी, गले में अटक गई।